में इफ कंडीशन में हम यहाँ आपके सामने एक एक रिजल्ट एक कंडीशन में करने वाले हैं जिसमें हम लोग इफ फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। जैसे कि हमने बताया था कि ग्रेटर देन अगर 60 है तो 40 से मल्टीप्लाई हो जाए अदरवाइज जीरो आ जाए। तो नॉर्मल एक्शन में मैंने क्या बताया था कि अगर ए ग्रेटर देन 60 है तो ट्रू फॉल्स आएगा क्या। फिर हमने इसमें इसको इस ट्रू और इस फॉल्स को मल्टीप्लाई बाई कर दिया 40, आपका जो कॉलम ए है वो कर दिया, इससे क्या हुआ कि 60 जीरो हो गया ना। हाँ बिल्कुल, 60 से नीचे जो था वो जीरो हो गया, वो जीरो हो गया। फिर इसमें मल्टीप्लाई बाई 40 कर दिया तो रिजल्ट हमारा आ गया राइट। अब इसी चीज को वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग से करना है तो डेवलपर टैब में जाते हैं हम, विजुअल बेसिक पे क्लिक करते हैं और यहाँ हम यहाँ से उसके बाद हम इंसर्ट मॉड्यूल्स में आते हैं। मॉड्यूल्स में आने के बाद हम यहाँ पे माइक्रो बनाते हैं, सब्जेक्ट पोजिशन नंबर 1 ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहाँ पे हम लूप लगाएंगे कि 4 आई इक्वल टू चले 1 to 8। आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, जैसे देखा मैंने आपने ऑटोमेट कर रखा था इसको। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे करता हूँ डिम बी एज ए बुलेट, ठीक है। Okay. और यहाँ बी पे बी इक्वल टू रेंज ए के साथ हमने आई को कंबाइन किया। बुलेट क्यों लिया, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स लेता है ना, स्टोर करता है। वैल्यू इज ग्रेटर देन 60, तो ग्रेटर देन 60 होगा ट्रू, तो इसके ऊपर ट्रू और फॉल्स स्टोर हो जाएगा। okay. उसके बाद तो यहाँ पर ही जब ये वाला फॉर्मूला लिख रहे थे ना बी एस बुलियन, मतलब सॉरी ये जो बी में रेंज लिया ग्रेटर देन 60, तो यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा था। एक बार ये आप कीजिए कुछ एक इंटीजर और यहाँ पे वी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय रेंज ए एंड डॉट वैल्यू देन वी इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय 40 और फिर रेंज बी के साथ हमने आई को कंबाइन किया डॉट वैल्यू इक्वल टू वी। ए फॉर्मूला होगा, समझ गए। अब आपको लगा कि कोई दिक्कत है जिसको ब्रैकेट में ले लीजिए। अब मैं एफएट करके 1 by 1 रन करता हूँ ताकि पता चल जाए कि एरर कहाँ है। ठीक है, ये माइनस क्यों आ गया, -1400, ये पे माइनस का साइन लग गया है क्या। यहां देखिए b इक्वल टू आ गया ट्रू, v इक्वल टू हो गया माइनस, एक मिनट यहीं पे दिक्कत हो गया, ट्रू मल्टीप्लाई बाई 85। ओके एक मिनट दोबारा करता हूँ, इफेक्ट b आ गया फॉल्स तो v हो गया जीरो और फिर मल्टीप्लाई बाई 40 हुआ तो जीरो हो गया, तो जीरो डाल दिया। एक काम करता हूँ मैं इसको 65 करता हूँ तो पता चलेगा ना। तो एफेट तो वी इक्वल टू ट्रू आ गया, ए आ गया माइनस। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है, समझ जाए बात को। फॉर्मूला आपका सही वर्क कर रहा है लेकिन क्या होता है कि जब भी आप ट्रू को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट माइनस में देता है। ओके ठीक है आपको, हाँ माइनस में आ रहा है ना, तो उसको प्लस में कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो माइनस आगे लगाना पड़ेगा।
यहाँ नहीं, माइनस आगे लगा दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, देखता हूँ माइनस आगे आपने बोला देखते हैं आ गया, बट प्लस यहाँ पे सही चल रहा है। अब इसमें एबीएस का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर। और समझ में आया आपको? अब पता चला कि हम बुलियन क्यों बोले थे आपको करने के लिए? ठीक है, मतलब इसमें माइनस यूज होगा साथ में, वो हाँ, ट्रू तो की केस में माइनस में ले। हाँ जो बुलियन है वो क्या है हमारा, बुलियन जो हमारा ट्रू एंड फॉल्स को ये रखता है, स्टोर रखता है। करेक्ट। यहां पे जान लीजिए एक्सेल में ट्रू इक्वल टू 1 होता है, फॉल्स इक्वल टू 0 होता है, बट बीवीए में ट्रू इक्वल टू -1 होता है और फॉल्स इक्वल टू 0 होता है। करेक्ट करेक्ट, ये डिफरेंस है यहाँ। ओके चलिए।